गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बी ए एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट में पढ़ रहे थे। यूनिट फर्स्ट के हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम तीसरे टॉपिक विद्या या ज्ञान शिक्षण शिक्षा बनाम प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम विद्या या ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। विद्या अथवा ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि विद्या जो शब्द है वह संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानने। ठीक है, इसी प्रकार अब हम विद्या या ज्ञान से मतलब किसी तत्व वस्तु विचार वस्तु क्रिया पदार्थों को उसी रूप में समझना है जिस रूप में वह है। तो इसमें क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान वह है जो किसी वस्तु तत्व पदार्थ आदि को उसी रूप में जानना जिस रूप में वह है वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान वह है जो मस्तिष्क से भ्रम को हटाकर विश्वास एवं सत्य की पहचान कराता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान से हमारा जो भ्रम है वह दूर होता है और हमें सच का पता चलता है। ज्ञान के द्वारा ही हम अपने भ्रम को या अंधविश्वासों को मिटा सकते हैं और किसी चीज को उसी रूप में जान सकते हैं जैसा कि वह है। ज्ञान वस्तुतः अपने आसपास की वस्तुओं व्यक्तियों एवं उनकी क्रियाओं और उनके परस्पर संबंध को जानने से। ज्ञान क्या है, जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, हमारे आसपास का पर्यावरण है पदार्थ है उनको जानना ही क्या है, ज्ञान है। जैसे पेड़ है, पेड़ अपना भोजन कैसे बनाते हैं इसको जानने के लिए हम क्या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो वह हमें शिक्षा के द्वारा पता चलता है। तो इन सभी चीजों को जानना ही क्या है, ज्ञान कहलाता है। अपने आसपास की जो वस्तु है व्यक्ति है वह उन्हीं को उन्हीं के रूप में जानना ज्ञान कहलाता है। मानव अपने चारों ओर जो कुछ भी देखता है समझता है और उससे संबंधित जानकारी संग्रहित करता है इनका मिला जुला रूप ही ज्ञान है। जो व्यक्ति है बचपन से ही विद्यालय जाता है उसके बाद अपने आसपास से भी सीखता है विद्यालय से भी सीखता है और अपने कई सारे अनुभव अपने जोड़ता जाता है तो इन सभी चीजों के संग्रहण या एकत्रीकरण को ही ज्ञान कहते हैं। इन सबका मिला जुला रूप ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति के अलग अलग प्रकार के स्रोत होते हैं। हमें नॉलेज की प्राप्ति किस प्रकार से होती है इसके अलग अलग स्रोत है। जैसे पहला है इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस। ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में कितने, पांच होते हैं, कौन कौन से, आंख कान नाक त्वचा एवं जीभ। ये क्या है, इंद्रियां हैं हमारे शरीर के। इनसे क्या हम आंखों से देखकर किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कानों से हम सुनकर किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, नाक से हम क्या है स्मेल का पता करते हैं और त्वचा से हमें गर्म चीज ठंडी चीज का पता चलता है, जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। इस प्रकार हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से भी ज्ञान का अर्जन करते हैं। दूसरा है तर्क। तर्क जो है तर्क के आधार पर भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसका इसके लिए हमें पूर्व ज्ञान पर आधार पर ज्ञान का प्राप्त करते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान होने पर ही हम किसी से कोई चीज पे तर्क कर सकते हैं। जब तक आपको किसी चीज के पहले की जानकारी नहीं होगी तो आप किसी से उस चीज में तर्क नहीं कर सकते हैं। और तर्क में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। जब हम तर्क करते हैं तो उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो तर्क भी एक ज्ञान का स्रोत है। अगला है शब्द या आप्तवचन। किसी के शब्दों को सुनकर हम उस चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, या आप्तवचन, आप्तवचन होते हैं विशेष प्रकार के शब्द जो क्या होते हैं, इनमें हम विशेष शब्दों पर निर्भर रहते हैं। इन शब्दों के लिए हम किसी भी विषय या चीज के जो एक्सपर्ट होते हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके लिए हमें जो हमें ज्ञान इंद्रियों द्वारा या खुद से प्राप्त नहीं हो पाता इनके लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है तो वह आत्मवचन कहलाते हैं। अगला है श्रुति। श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से है। जो ज्ञान हमें धार्मिक रूप से प्राप्त होता है उसको श्रुति कहते हैं। हम अपने वेद पुराणों से भी हमें कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है जो कि श्रुति कहलाता है। विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उनके लिए क्या कहा जाता है कि वह उनके प्रवर्तकों द्वारा जो ज्ञान के नेत्र है उससे देखा गया है और लिखा गया है, वह लोगों के द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट है अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा को क्या कहते हैं, एक प्रकार के मन के अंदर की आवाज।
जो हमें कभी कभी लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है हम, और वो सही हो जाता है। तो जो मन से आवाज आती है वह अंतःप्रज्ञा है। इसमें इसको मन के अंदर की आवाज कहते हैं। यह भी एक ज्ञान का स्रोत है। जो हमने अभी चीजें पढ़ी हैं उनको हम इस प्रकार के डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन है, उनको इस डायग्राम द्वारा भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं। जो ज्ञान का नेचर है वो कैसा होता है? तो ज्ञान विवेक है जो सही और गलत का निर्णय लेने में सहायक होता है। जो ज्ञान होता है वह विवेक और बुद्धि पर आधारित होता है। और विवेक क्या है? जो हमें सही और गलत का निर्णय लेने में सहायता करता है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। हमें जो ज्ञान प्राप्त करना होता है उसकी कोई हमारी सीमा लिमिट नहीं होती है। हम बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तक सीखते रहते हैं, तो वह ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जो ज्ञान होती है, संज्ञानात्मक का मतलब होता है मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। जो ज्ञान है वह मस्तिष्क से जुड़ी प्रक्रिया है। इसमें बुद्धि का प्रयोग होता है और मस्तिष्क का विकास होता है, चिंतन करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो यह एक दिमाग से जुड़ी हुई, मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। ज्ञान तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का योग है। जो ज्ञान होता है, जो हमारे जो तथ्य होते हैं, हमें जो सिखाए जाते हैं, तथ्य विचार या सिद्धांतों का योग होता है। सभी प्रकार के जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, तथ्य विचार होते हैं, उनका योग क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ज्ञान सदैव गतिशील होता है। जो ज्ञान होता है सदैव गतिशील होता है। जो विज्ञान के द्वारा हम देखते हैं, नई नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजों को उनके द्वारा ठुकरा दिया जाता है और नए सिद्धांत लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है वह गतिशील होता है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शिक्षण और शिक्षा बनाम प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे।